हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल एक बार फिर आपके साथ। और दोस्तों, आज हम लोग एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। आज इसका चार्ट बहुत बढ़िया है और आज इसके नंबर्स भी आने वाले हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बेसिकली 98 रुपीज़ पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है और यहाँ से आज चूँकि USA FDA का जो इंस्पेक्शन था वो भी ख़त्म हो चुका है आज। और आज का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी बेहतर नज़र आता है। यहाँ से एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि 100 रुपीज़ के आसपास का इसका रेजिस्टेंस है। और एक बार वो 100 रुपीज़ का रेजिस्टेंस को ये क्रॉस करेगा तो उसके बाद ये लगभग 114 से लेके 120 के बीच के आसपास ये आपको मिल सकता है। सो गाइस, ग्रैन्यूल्स इंडिया पे आप नज़र रख सकते हैं। फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं ही, कंपनी का फार्मास्यूटिकल की कंपनी है। इस वक्त जो मंदी का मार्केट है उस वक्त आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर स्टॉक्स अवेलेबल हो रहे हैं और यही वो सबसे अच्छा वक्त होता है जब खरीदे जाते हैं छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में। जब भी आपको डिप मिले आप खरीदिएगा, क्योंकि ये मंदी हमेशा नहीं रहेगी। ये मंदी आपको अब जो इतनी बड़ी मंदी आई है इस वक्त इंडियन मार्केट के अंदर, ये अब आपको अगले कई सालों तक नहीं मिलेगी। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अच्छे जो फंडामेंटल साउंड या जिनके अच्छे बिजनेसेस हैं ऐसे स्टॉक्स को आप फाइंड आउट करें और उनको राइट लेवल पर एंट्री पोजिशन लीजिएगा। तो अगर आप यहाँ से 100 रुपीज़ का लेवल क्रॉस होता है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी कॉल ले सकते हैं, 15 दिन 20 दिन के लिए, जहाँ पर ये स्टॉक आपको लगभग 115 से लेकर 120 तक के लिए भी दिखा सकता है। पर फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप लोगों को जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि SIP इज़ द बेस्ट वे। जैसा कि मैंने एक पीछे एक वीडियो भी डाला था इन्वेस्टमेंट गुरुकुल का। देखिए दोस्तों, हर चीज़ का अपना कॉन्सेप्ट होता है। इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में कोई स्टॉक सजेस्ट नहीं किया था अनिल सिंह भी, वो आपको एक जस्ट एक इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी जहाँ पर ये बताया गया था कि जब आप खरीद रहे हैं तो अगर आपने सही लेबल्स पे खरीदा, अगर आपने सही स्ट्रेटजी के साथ खरीदा और SIP के माध्यम से खरीदा तो आप हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी में ही रहते हैं। तो ये चीज़ें आप कहीं से भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप CNBC आवाज़ से नहीं सीख सकते। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर वो चीज़ों को देखिए जहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। स्टॉक्स तो आप खुद ही आइडेंटिफाई कीजिए, खुद ही उनके लेबल्स को पकड़िए, उनके स्टॉप लॉसेस, उनके जो टारगेट्स हैं उनको समझिएगा और उसके बाद उसमें एंट्री पोजीशन लीजिए, क्योंकि उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता जब तक, क्योंकि आप एक बात को समझिए, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आप केवल सुन के किसी भी स्टॉक के अंदर निवेश कर रहे हैं इसका मतलब आप खुद भी अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि आप स्टॉक्स के नाम को आइडेंटिफाई कर लीजिए केवल, कि कौन से काउंटर्स को ये अच्छा बता रहा है या कौन से चैनल्स पर किस काउंटर्स के बारे में बातचीत चल रही है। फिर उस काउंटर के बारे में आप लोग अपने एनालिसिस कीजिए और उसके बाद जब आप एक रिजल्ट पे आ जाते हैं कि हाँ फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, टेक्निकल्स में भी काफ़ी करेक्शन आ चुका है, ठीक है, आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव भी अच्छा लग रहा है, तब आप सही निवेश की स्ट्रेटजी अपना के उसमें छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के साथ बाय कीजिए। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया पे ऐसा ही है, आपको जब भी डिप मिले आप देखेंगे ये डेली चार्ट, काफ़ी टाइम से ये स्टॉक ने जो है लगभग 88-90 रुपीज़ के लेवल को होल्ड करके रखा। तो यहाँ से मैं इसका भी स्टॉप लॉस जो आपको बताऊँगा वो लगभग 88 रुपीज़ का बताऊँगा। तो 88 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ आप ग्रैन्यूल्स में ऐड कर सकते हैं या थोड़ा वेट कर सकते हैं अगर थोड़ा सा डिप आता है, क्योंकि आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर रिजल्ट्स बेटर आते हैं देन ये स्टॉक 100 रुपीज़ को क्रॉस कर जाएगा, 104-106 के लेवल भी आज दिखा सकता है। और अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं है तो ये लगभग 93 से 94 रुपये के आसपास, यहाँ से हम लोग बात करते हैं तकरीबन 94 रुपीज़ के आसपास ये आ सकता है। और अगर 94 से नीचे आता है देन वापस आपको 88-87 के रेट में ये स्टॉक अवेलेबल होगा। बट 88 से 90-92 के बीच का जो प्राइस है वो ग्रैन्यूल्स इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करेंगे तो मुझे लगता है कि अगले 2 सालों में ये स्टॉक आपको लगभग 180-190 तक के टारगेट्स दिखा सकता है, क्योंकि इस बड़ी मंदी के बाद जब एक बुलिशनेस स्टार्ट होगी तो आपको जो आज स्टॉक सस्ते में अवेलेबल है, फंडामेंटल तो अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे पोस्ट कर रही है कंपनी, बट स्टॉक ड्यू टू बैड सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट गिर रहे हैं, तो वो आपको एक अच्छी रैली दिखाएंगे और आपको हायर लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करने का मौका भी देंगे। सो दोस्तों, ये हमने ग्रैन्यूल्स के बारे में बताया, नंबर्स अभी आने वाले हैं, USFDA का इंस्पेक्शन पूरा हो चुका है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ बेसिक्स जानना तो जून के क्वार्टर के नंबर आप इसके देख सकते हैं कि जून क्वार्टर में लगभग 440 करोड़ के आसपास का इनका नेट सेल्स था। जून 17 में 388 करोड़ के आसपास का सेल्स था और जो आपका जून 18 में जो प्रॉफिट था लगभग 59 करोड़ 27 लाख का था, जबकि लास्ट ईयर 52 करोड़ 89 लाख का था।
यानी कि क्यू ओ क्यू में भी अगर आप मार्च में देखेंगे तो 51.36 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। तो क्यू ओ क्यू और वाई ओ वाई दोनों ही ग्राउंड्स पर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और जो यू नो जो टॉप लाइन और जो बॉटम लाइन है दोनों में ही अच्छी परफॉर्मेंस है। हालांकि मार्च के मुकाबले जून क्वार्टर में टॉप लाइन में जरूर गिरावट आई है, बट ओवरऑल जो रिजल्ट्स आए, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो कंपनी ने अच्छी शो की। सो यहाँ पर चार्ट अच्छा लग रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक बड़ा मेजर सपोर्ट है 88 रुपीज़ का, तो आप 88 रुपीज़ को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना कर चलिएगा। मैं यही कहूँगा कि आप लॉन्ग टर्म का होराइजन रखिएगा लगभग 2 साल का, और इस स्टॉक में आपको लगभग 180 से 190 का लेवल आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। और अभी फिलहाल स्टॉक में फॉर द शॉर्ट पीरियड टाइम आप देख सकते हैं कि एक बुलिशनेस का पैटर्न तैयार हो रहा है, और अगर मार्केट ने आगे 10,600 तक का लेवल हिट किया तो मुझे लगता है कि स्टॉक 120 तक के टारगेट हिट कर सकता है आने वाले समय में। तो दोस्तों, ये गैलेंस के बारे में हमने बात की, उम्मीद करते हैं कि आप इस स्टॉक में अपनी एनालिसिस करेंगे, अपनी सही स्ट्रेटजी सेट करेंगे और छोटी क्वांटिटीज़ के साथ फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट नज़रिए से आप इसमें निवेश करेंगे तो आपको एक अच्छा और बड़ा मुनाफा अगले 1 से 2 साल में इस काउंटर में मिल सकता है। सो अगले वीडियो में किसी दूसरे काउंटर के बारे में हम लोग फिर बात करेंगे, बताएंगे आपको किन लेवल्स पे आपको बाइंग करनी है, किन लेवल्स पर आपको एग्जिट करना है, और उस हिसाब से ही फिर आप अपनी एनालिसिस कीजिएगा और फिर निवेश कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।